हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं व्लॉग की शुरुआत इस तरीके से कर रही हूँ, यानी क्या ही बताऊँ मैं आपको। आप देख सकते हो ये निपेश के रखे हुए हैं सारे जीन्स, जो कि इन्होंने, इनकी हालत कर दी है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरी। तो मैं इसको कर रही हूँ अच्छे से ऑर्गेनाइज। सेम यही हालत कुछ समय पहले टी शर्ट्स की थी, तो मैंने ये हैंगर ला के सारे टी शर्ट है जो हैं वो हैंग कर दिए थे। अब मैं सारे इनके जींसेस हैं वो इस हैंगर में डालूंगी। आप हैंगर देख सकते हैं मैंने कितने बिखरा के रखे हैं। तो आज कर देती हूँ इनको सेट, क्योंकि यूँ कहते हैं फिर जींस पीछे की मुझे पहनने में ही नहीं आती है, वही पहनी जाती है। तो मैं कैमरे को रख देती हूँ एक तरफ और सारे जींस कर देती हूँ ऑर्गेनाइज। जम गया अच्छे से, एकदम मस्त लग रहा है। पर अब शायद रोज रेडी होने में चिक चिक नहीं होगी कि मेरा सामान नहीं मिल रहा है, मेरे जींसेस नहीं मिल रहे। मैंने सोचा तो उसे जींस कम क्यों लग रहे हैं, जींस गेट के पीछे भी लटके हुए हैं। आप देख सकते हो मैंने जमाई है आज चिकू के वॉर्डरोब, और कंप्लीट अच्छे से ऑर्गेनाइज तो कर दी है मैंने, पर और भी कुछ होगा तो देखूंगी। अभी हो रही हूँ लेट, इसलिए निकल जाती हूँ शॉप के लिए, और शॉप पर जाना है। सॉरी, आजकल मेरी टंग इतनी ट्विस्ट क्यों हो रही है। अभी मैं नहा लेती हूँ, फिर खाना वगैरह बनाना है और जाना है फिर शॉप पर। और जैसे कि राजस्थान में श्रावण बैठ चुका है, गुजरात में नहीं बैठा है, गुजरात में कुछ 15 दिन बाद बैठता है, यानी श्रावण का महीना स्टार्ट हो गया है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। आज है सोमवार और श्रावण के सोमवार को, यानी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूँ कहते हैं ना, पवित्र माना जाता है। लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं, बिलीपत्र चढ़ाते हैं और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आई होप आज मैं जा पाऊँ, अगर नहीं जा पाई तो नेक्स्ट सोमवार को ज़रूर जाने का ट्राई करूँगी। और आपने मेरे हस्बैंड का कलेक्शन तो देखा ही है, लगभग 26 ऐसी कुछ तो टी शर्ट्स मैंने हैंगर में हैंग किए, बाकी इधर उधर भी कहीं होंगी। और 20 से अबव कुछ जींस है, और 20 से अबव तो कुछ जींस है और ट्राउज़र्स अलग हैं, फॉर्मल पैंट्स अलग हैं और शॉर्ट पैंट्स और अलग हैं। इसलिए क्या कलेक्शन है, इतना कलेक्शन मेरे पास भी नहीं है साड़ियों का, और इससे ज़्यादा कलेक्शन तो मेरे चिकू के पास है। वेल डन चिकू। पर इनकी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना, इनको चीज़ें यानी रिजेक्ट करने की ही नहीं होती। टी शर्ट भी कितने भी पुराने, इसमें कितने टी शर्ट्स तो ऐसे हैं ना जो 9-9 साल भी पुराने हैं, जब हम लोग यानी बात करते थे उस टाइम के भी टी शर्ट्स हैं। गज़ब अच्छा है, कलेक्शन करने की आदत है तो। पर कलेक्शन भी सारा अच्छा है यानी, और कपड़े भी लगभग सारे बींग ह्यूमन के ही है, क्योंकि इनको फिटिंग उसी ब्रांड की जमती है। इसलिए कुछ हैं लिवाइस वगैरह के, पर उनकी फ़िटिंग इनको जमती नहीं, इसलिए नहीं लाते। अब देखेंगे, अभी शॉपिंग करनी है क्योंकि बहुत टाइम हो गया बेचारों ने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है, तो करवाएंगे। और अभी चल रहा है उनका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो वेट है वो रिड्यूस कर रहे हैं ये, तो अच्छे से हो जाए फिर करते हैं शॉपिंग, ताकि कपड़े भी परफेक्ट फिटिंग के मिले। बस इसी के साथ अब चल रही है हमारी दिनचर्या, और आप भी हमारे साथ चलेंगे। मैं हो गई हूँ रेडी और बाल बनाने बाकी हैं, तो अभी बना लेती हूँ खाना और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी बैठ गई हूँ मैं खाना खाने, और खाने में आज बनाया है ये पराठा, चिकू की डाइट में था तो थोड़ा सा बच गया था तो मैंने लिया है। रोटी, आलू की सब्ज़ी, इसको क्या बोलते हैं, पिंडारू के पत्तों की सब्ज़ी, और हमेशा रहता ही ये दही। मेरा ये टेस्टी खाना मैं फिनिश करके फिर आपसे मिलती हूँ और शॉप पर चलेंगे फिर। ये निकल रही हूँ अभी शॉप के लिए, और चिकू गाड़ी लेके लेने आ गए। ये लैला हमारे मस्ती कर रही है, और
चलिए अब चलते हैं शॉप पर। अभी हम पूरी शॉप को वापस से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज तो ऑलरेडी है बट थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ताकि जो हमको प्रोडक्ट अच्छे से डिस्प्ले करने हैं वो अच्छे से हो पाए। इसलिए तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है हमारी शॉप, आप देख सकते हो। ये यहाँ पर पूरा आ गया है वाव के प्रोडक्ट। यहाँ पर आ गए हैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट और बाकी जो भी स्पेस था वहाँ पर आ गया है बॉम्बे शेविंग के प्रोडक्ट। मैं और ज्योति सैलून पे बैठे हुए थे, तो मेरे फेस पर थोड़ी सी नोज़ के आसपास डेड स्किन आ रही थी और थोड़े से ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना क्लीनअप करवा लूँ। क्लीनअप मैं अभी करवा रही हूँ मिशेल का, और ज्योति भी कर रही है। क्लेंजिंग तो हो गई है, बस अब स्क्रबिंग होगी। तो आप देखिए आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं, और वो नया क्या है, चिकू के साथ है। चिकू के हैंड पर करने वाले हम वैक्स। एक्चुअली क्या, अभी मेरे पास रिचलॉन की न्यू वैक्सेस आई है, तो चिकू को रेड वाइन देख के बड़ा ही यानी क्यूरियस ही हो रही है कि मैं भी वैक्स करवाऊँ। तो थोड़ी सी एक बार करके देखेंगे कि हाथ में उनको कैसा लगता है, अगर पेन कम हुआ तो ही वो करवाएंगे, उन्होंने पहले से बोल दिया है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं ये प्री वैक्स क्लेंजर लगा दूँगी। चालू नहीं किया था, चिपक नहीं गया। ये लग चुकी है वैक्स अब। अब लिया जाएगा 9 जन्म का बदला। धीरे धीरे से क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 10 कितनी निकली है बोलो। करनी कर दे, पर सही लगेगा? सही लगेगा ना, लड़के पूरी बॉडी वैक्स करवाते हैं, पर फिर बार बार कराना पड़ेगा। नहीं, तुम्हारी इच्छा होता तो तुम बाल भी कम होते, ऐसा कुछ नहीं। तो ब्रेसलेट और ही निकालना पड़ेगा। एक काम कर, आज का दिन यही कर फिर। तो ऊपर ऊपर ही करूँ, कैसा लगता है? उधर देखो। दर्द दर्द होता है? कहाँ दर्द हो रहा है, ये दर्द है पैरों पे, फिर तुम दांत काम जाओ। सही है। पर क्यों ऑर्डर के क्यों हाथ चिपचिपे करने हैं? कम ही लेना, कम कम ही डाल दूंगा फिर। ये चमड़ी लटक रही है। यहाँ तो हो रहा है, दर्द हो रहा है और जबरदस्त दुख रहा है। ये वो नहीं होता है दर्द, वो फर्स्ट टाइम करवा रहे हो ना, इसलिए बाकी कोई दर्द नहीं होता है। सब ये देखो 10 निकल रही हो, निकलती है तो पूरा कंप्लीट करेंगे। चिकू को यहाँ पर वैक्स करवाया, कम लगा यानी दर्द कम हुआ, फिर उन्होंने बोला कि मुझे इधर इतने से लगा कि इतना हैंड करके दे। आज के दिन मैं ट्रायल करता हूँ, फिर दोनों हाथों पे कराऊंगा,
क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, ये बॉयज वैक्स वगैरह करवा रहे हैं, सो इसलिए कोई बात नहीं। मैंने तो क्या चुकू के एक बार हेयर कट भी किए थे जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी तब, और अच्छे ही काटे थे मैंने बाल, यानी बहुत नेट पे देख देख के काटे थे, पर अच्छे कटे थे। चलो कैमरे की बैटरी भी हो गई है लो, तो चलते हैं घर पर और खाना वगैरह भी बनाना है। ब्लैकबेरी ले लेती हूँ, मेरा फ़ोन भी ले लेती हूँ, पर्स निकाल दो मेरा। तो चलो घर जाके आपसे मिलते हूँ। ये बन गया है मेरे प्यारे से चिकू के लिए अच्छा सा पनीर सलाद, क्योंकि आज इनकी डाइट में था पनीर का सलाद। सो कैसा बना है मुझे खा के बताओ। तुम तो आजकल फॉरेनर जैसा खाना खाते हो गए हो। मस्त है, मस्त है, मजा आ रहा है। ओके चलो, ग्रेट सक्सेस हुई हमारी, और मेहनत कहीं ना कहीं काम आई। तुमको कुछ भा जाता है ना बनाती हो, तो मेरे को भी लगता है मेहनत सफल हो गई मेरी। अभी बना रही हूँ मैं पापा के लिए और मेरे लिए खाना, क्योंकि मम्मी का तो है व्रत और चिकू के था डाइट में सलाद, तो वो तो हमने उनका टेस्टी बना के दे दिया है। और मम्मी के लिए बनाना है फलाहार, और मेरे लिए और पापा के लिए बनाना है खाना, तो वो बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। आज का दिन तो आपने देखा ही होगा, चिकू के हाथ पे गई थी वैक्सीन, थोड़ी देर में दाने निकल गए थे, पर मैंने सोचा यार सूट हुई कि नहीं हुई, स्किन सेंसिटिव है इससे भी हो सकता है, पर थोड़ी देर बाद सही हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम कराई थी तो हो सकता है पोर्स ओपन हो गए तो उस वजह से दाने निकल गए, पर अभी सही हो गया है। तो कल ट्राई करेंगे पूरे हाथ पे करने का, अलग अलग वैक्सीन इनको यानी फ्लेवर्स उनको टेस्ट करने हैं हाथों पर। अभी हो गया है मेरा खाना वगैरह सब कंप्लीट, मैं हो चुकी हूँ फ्री, और इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड, क्योंकि मेरे कैमरे की भी बैटरी लो गई और मेरी भी, मुझे भी चार्ज होने की ज़रूरत है, और मेरे कैमरे की बैटरी को भी। पूरा दिन एनर्जी से आपके साथ चलते रहते हैं, फिर रात को तो पूरा दिन रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है, और रात को ही सोने का टाइम मिलता है, और वो चैन की नींद अब मुझे मेरी बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। बाय।